एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह के जाने के बाद लगता है कि फिर से नया प्यार मिल गया है। एक्ट्रेस कथित तौर पर बिजनेसमैन निखिल कामत को डेट कर रही हैं। दोनों को हाल ही में बाइक पर साथ में देखा गया। रिया को देखकर लोग उन्हें हेलमेट न पहनने के लिए खरी खोटी सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने अपने दिन की शुरुआत अपने कथित बॉयफ्रेंड बिजनेसमैन निखिल कामत के साथ की। शनिवार को दोनों की कई तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किए गए। इंस्टाग्राम पर एक पेपराजी के शेयर किए गए वीडियो में रिया मुंबई में निखिल कामत की बाइक पर पीछे बैठे हुए दिख रही हैं। आउटिंग के लिए रिया ने डेनिम जैकेट और पर्पल पैंट के नीचे क्रॉप स्टर टॉप पहना था। उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क पहना था, एक बैग लिया था, सैंडल पहने थे। रिया ने अपने बालों को पोनीटेल में बांधा हुआ था लेकिन हेलमेट नहीं पहना हुआ था। निखिल ब्लैक जैकेट और शॉर्ट्स में नजर आए। उन्होंने भी चेहरे पर मास्क और हेलमेट पहना हुआ था। जब वह बाइक चला रहे थे तो रिया से बातचीत की और उनके हाथ अपने पैर पर रखा। वीडियो पर रिएक्शन देते हुए एक यूजर ने लिखा, हेलमेट उसके लिए कोई खास नियम है क्या? एक ने लिखा, पिछली सीट पर बैठने वाले को हेलमेट की जरूरत नहीं। एक इंस्टाग्राम यूजर ने कहा, सिर्फ इसलिए कि यह रिया है हेलमेट की जरूरत नहीं। एक ने कहा, अरे दीदी हेलमेट तो लगा लेती। वेल आगे बता दें कि पिछले महीने रिया ने चैप्टर 2 के साथ अपना पॉडकास्ट डेब्यू किया। इसमें उन्होंने कहा था कि मेरा चैप्टर 1 जानता है या मान लेता है कि वैसे जानते हैं। मैं अलग अलग भावनाओं को महसूस करने, खुद के अलग अलग वर्जन होने के कई फेज से गुजरी हूँ। अंत में अपने को अधिक बल्कि एक वर्जन पुंजम की तरह महसूस कर रही हूँ और मैं इसे किसी ऐसे आदमी के साथ मनाना चाहती हूँ जिसके पास चैप्टर 2 है। मैं कहना चाहती हूँ कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए द्वारा शुरुआत करने के लिए दूसरा चैप्टर रखना ठीक है। मैं बदलाव का जश्न मनाना चाहती हूँ। बताते चलें आगे कि 2020 में एक्टर और बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया को मीडिया ट्रोलर्स का सामना भी करना पड़ा।